में भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी कुछ शाखाओं को लेकर बड़े बदलाव किए हैं। दरअसल SBI ने देश भर में अपनी 1200 से ज्यादा शाखाओं के ब्रांच कोड और IFSC कोड समेत कई चीजों को बदल दिया है। यहां तक कि इन शाखाओं का नाम भी बदल दिया गया। बैंक ग्राहक के तौर पर आपको बैंक ब्रांच की जानकारी कई जगह देनी होती है। अब इसमें सबसे अहम होता है IFSC कोड। इसके बिना आप कहीं से भी कहीं फंड ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। भारतीय स्टेट बैंक ने 1200 से ज्यादा ब्रांच के बदलाव किए हैं और इसकी जानकारी भी दी गई है। SBI ने एक पूरी लिस्ट जारी की है जिसमें आपको सर्कल के मुताबिक पुरानी ब्रांच और उसकी जगह नई ब्रांच की जानकारी दी गई है। SBI की लिस्ट के मुताबिक उसने कई पुरानी ब्रांच की नई शाखाओं में इसमें जोड़ दिया है। इसमें ज्यादातर उन बैंकों की शाखा है जिनका SBI के साथ मर्जर हुआ है।